किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं मीठा परोठा। ये हम चीनी से बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी परोठा बन के रेडी होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी का डो बनाते हैं उसी तरह से मैंने आटा गूंथ लिया है। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम ऑन करके इस पर रख देंगे तवा। इतनी देर में गैस की फ्लेम को स्लो कर दूँगी। यहाँ पर जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेते हैं उसी तरह से मैंने ये ले लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा रोटी वाले आटे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इसको मैं सूखा आटा लगा कर इस तरह से बेल लेंगे हम बेलन से। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है इतना। और यहाँ पे अब हम लेंगे देसी घी और मैं इसमें लगा रही हूँ ऊपर से देसी घी। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। और ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। देखिए यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून चीनी ले ली। और ऊपर से मैं इसमें 2 पिंच डाल रही हूँ कोको पाउडर। देखिए इस तरह से इससे इसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे फोल्ड। इसको हमने दे दिया अभी ट्रायंगल शेप। तो अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा और लगा कर इसको बेलन की सहायता से बेल लेंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें से चीनी और वो जो हमने कोक पाउडर इसमें डाला था वो किस तरह से दिख रहा है। और अब हम इसको थोड़ा सा हाथ से वो करके तवे पे डाल देंगे। तो अब हम इसे कर लेंगे साइड चेंज और ऊपर से लगा देंगे हम इस पर घी। तो जब हम इतना टेस्टी मीठा परांठा बना रहे हैं तो उस पर घी भी थोड़ा सा अच्छा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरी साइड चेंज करके भी मैंने इस पर घी लगा दिया है। और इसकी साइड अब हम फिर पलटेंगे। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का परांठा हमारा रेडी हो रहा है सीख के। जब हमारा कुछ मीठा खाने का दिल करे तो इस तरह से आप चीनी वाला परांठा बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी परांठा बनेगा। और सच मानिए ये इतना जलेबी की तरह बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। इसी तरह से हम दूसरा परांठा भी बेल लेंगे। देखिए और ऊपर से हम इस पर लगा देंगे 1 स्पून घी। और ऊपर से हम इसमें डाल देंगे चीनी। इसको फैला लेंगे सारे परांठे पे। और ऊपर से हम कोको पाउडर और डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। इसकी जगह पे आप जैसे खोया हो गया वो डाल सकते हैं या ड्राई नट्स डाल सकते हैं। तो हम इसको भी इसी तरह से सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। पर हमने इसकी शेप कुछ अलग कर दी है नॉर्मल परांठे जैसे। तो देखिए चीनी इसके ऊपर से कैसे दिख रही है। तो अब हम इसकी कर देंगे साइड चेंज। नीचे से एक साइड से ये सीख गया हल्का। और इसके ऊपर लगाएंगे हम अब घी। अच्छे से कोट कर देंगे इसको। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस पर लगा देंगे घी। तो देखिए कितना सुंदर, देखते दिल कर रहा है खाने का। कितना टेस्टी परांठा हमारा बन के रेडी हुआ। ये भी कितना अच्छा इसका लुक आया है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से घर पे जब आपका कुछ मीठा खाने का दिल करे तो इस तरह से आप बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी परांठा बना के रेडी कर सकते हैं। लीजिए हमारे दोनों परांठे बिल्कुल सीख के रेडी हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हनी के साथ। आप चाहे तो मलाई भी डाल सकते हैं या चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड कितना टेस्टी हमारा परांठा बिल्कुल रेडी हो गया ये। और अगर आपको वीडियो अच्छी हुई तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।